तो वेलकम। आज हम देखेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी एनपीटेल एग्जाम है उसमें कैसे हम असाइनमेंट आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले असाइनमेंट वीक वन, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो पहले हम जब खोलेंगे ना उसमें तो मॉड्यूल 1, 2, 1.1, 1.2, 1.3 हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू साइबर स्पेस पीपीटी आ गया, वीडियो लेसन आ गया। यहाँ पे जो लिखा है ना इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी ई टेक्स्ट, तो उसको खोलेंगे। तो खोलने के बाद ऐसे करके उस इंटरव्यूस पहले आएगा, उसको हम व्यू करेंगे। व्यू करके उसको डाउनलोड कर देंगे। इसमें डाउनलोड ऑप्शन है तो डाउनलोड करेंगे उसको। ठीक, डाउनलोड करके हम डेस्कटॉप में रख देंगे पहले। तो अब डेस्कटॉप में आ गया होगा। टेक्स्ट ओके। तो यस राइट। तो हम डाउनलोड कर लिए। अब जाएंगे यूनिट 1 ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, वीक 1 ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट 1, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे मैं एग्जाम दे दिया हूँ तो आ गया ये। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले आपको अच्छे से वो जो है ना ये पीटीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लेने के बाद वो क्वेश्चन में हम जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्चुअल स्पेस दैट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड रिलेटेड एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑनलाइन ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करेंगे हम। आसान तरीका है, कॉपी करेंगे तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके हम चेक करेंगे। देखो क्या, देखो हम फाइंड आउट हो गया। अब क्या है कि द वर्चुअल स्पेस दैट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड रिलेटेड एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑनलाइन ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन है कोर साइबर स्पेस, एक्सटेंडेड साइबर स्पेस, साइबर स्पेस, वर्चुअल साइबर स्पेस। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि साइबर स्पेस रेफर्स टू द वर्चुअल स्पेस दैट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड रिलेटेड एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ऑनलाइन ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो देखो यहाँ पे देखो साइबर स्पेस करेक्टेड आंसर है। ऐसे करके हमको फाइंड आउट करना है। और एक देखते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज थ्रू इंटरनेट, यूडीपी, टीसीपी, टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी। ठीक, तो हम ढूंढेंगे। पहले इसको कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल एफ दबाएंगे और टेस्ट करेंगे इसको। ठीक, वो काम बाय। नहीं तो एक काम करोगे तो इसको कीवर्ड को और एक ज्यादा लाइन लंबा होने से वो नहीं फाउंड आउट कर पा रहा है। तो एक एक करके एक कीवर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे इसका आई कैचिंग कीवर्ड जो बोलते हैं ना, देखो अब आ जाएगा।
देखो यहाँ तो इंटरनेट पहले कहा था ना, पहले इसको एक बार पढ़ लेने से तो थोड़ा बहुत वर्ड्स मतलब कैच आउट होगा। ये देखो लिखा है ना, इट मेक्स यूज द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट फॉर डाटा ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि डाटा ट्रांसमिशन और एक्सचेंज के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल चाहिए, तो इसमें टीसीपी आईपी आ गया। तो पहले इसको हम जब पढ़ लेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे ना, ये देखो सेकंड पेज में है, आ गया। ये देखो मतलब सॉरी 10 पेज में है, ठीक है, टोटल 48 पेज है और 10 पेज में है, देखो आ गया। एक बार पढ़ लेने से थोड़ा आई कैचिंग होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और ये देखो, इंडिकेट द की फैक्टर इन डिटरमाइन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवांटेजेस। मतलब ये बोल रहा है कि बिजनेस एडवांटेजेस स्ट्रेटेजिकली कौन सी की फैक्टर चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, नॉलेज, सिस्टम सिक्योरिटी। तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, बिजनेस एडवांटेजेस पहले लगा के देखते हैं। तो आ नहीं रहा है ना, की फैक्टर फैक्टर एक तो आ गया, ये 5 की फैक्टर है, टाइम, स्पेस, इफिशिएंसी, एसिमेट्री, एनोमेटिक। मतलब साइबर स्पेस का 5 की फैक्टर है। एक मिनट, ये तो की फैक्टर तो है ही, बोला है एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस तो मिनट, इसमें बिजनेस एडवांटेजेस ना, बिजनेस एडवांटेजेस इससे करेंगे।
थोड़ा घुमा के दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ऐसे करके मतलब आपको तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। थोड़ा सा घुमाया है कि द इंक्रीज डिपेंडेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एनकरेज एंड इंडिविजुअल टू परफॉर्म क्राइम एंड अब्यूज रिलेटेड विद कंप्यूटर्स एंड द इनसिक्योर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स पोज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रेट्स। तो ये इश्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट। और एक देखते हैं, द रिकॉल द बेसिक वीकनेस ऑफ द सिस्टम। तो बोला है कि एक सिस्टम में वीकनेस क्या है उसको रिकॉल करो। तो बेसिक वीकनेस वीकनेस करके हम फाइंड आउट करेंगे। नहीं तो एक ऑप्शन को एक एक उठाएंगे, और एक ही फॉर्मूला है, एक एक करके ऑप्शन को उठाएंगे तो भी पता चल जाएगा। देखो कैसे करते हैं। देखो आगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजिस्ट। देखो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजिस्ट, सम ऑफ द मेन टर्म्स इन साइबर सिक्योरिटी आर वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, अटैक एंड रिस्क। ये लिखा है वल्नरेबिलिटी, नेक्स्ट स्टेप में वल्नरेबिलिटी क्या है, एनी वीकनेस इन द सिस्टम। देखो क्लियरली लिखा हुआ है वल्नरेबिलिटी एनी वीकनेस इन द सिस्टम, राइट। मिल गया। तो नहीं तो एक एक करके ऑप्शन उठाएंगे तो भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंश्योर मॉडिफिकेशन और ऑल्टरनेशन टू बी डन बाय ऑथराइज्ड मीन्स ओनली। मतलब जैसे इंफॉर्मेशन को मॉडिफिकेशन और ऑल्टरनेशन करते हैं ना, तो इस ऑथराइजेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिगरेशन, अवेलेबिलिटी की इंटीग्रिटी, क्या बोलते हैं उसको, जो ऑथर मतलब एक इंफॉर्मेशन को मॉडिफिकेशन और ऑल्टरनेशन करते हैं, इस ऑथराइजेशन को क्या बोलते हैं। तो इसको देखो, मॉडिफिकेशन वर्ड एक कीवर्ड है, इसको हम लगा के देखते हैं। देखो मोटिवेशन है क्या, क्या लिखा है, डाटा इंटीग्रिटी एस्टेब्लिशिंग द एश्योरेंस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑल्टरनेशन। देखो लिखा हुआ है क्लियरली, डाटा इंटीग्रिटी क्या है, एस्टेब्लिशिंग एश्योरेंस ऑफ मॉडिफिकेशन और ऑल्टरनेशन, चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है ना उसमें, तो इसको बोलते हैं डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। जो ये साइबर सिक्योरिटी का मेन तीन ट्रायंगल है ना, CIA, सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आई मीन सी इंटीग्रिटी, ए मीन्स ऑथराइजेशन। तो इसमें मॉडिफिकेशन डाटा इंटीग्रिटी, तो ऑप्शन डाटा इंटीग्रिटी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे करके आंसर निकालते हैं। और एक देखते हैं, चूज द प्रोटेक्शन मेथड यूज्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अनऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अनऑथराइज एडमिनिस्ट्रेटर्स को मतलब उससे प्रोटेक्शन करता है ना, कौन सा एग्नेस्ट में है, मतलब उसको क्या बोलते हैं। गया प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एडमिनिस्ट्रेटर्स, आ गया। लिखा है अनऑथराइज एडमिनिस्ट्रेटर्स आर ए हाई सिक्योरिटी रिस्क, एन ऑथराइज एडमिनिस्ट्रेटर वुड लॉन्च न्यूमरियस अटैक्स इंक्लूडिंग रनिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन एवरी क्लाइंट कंप्यूटर, एनेबलिंग रिमोट टूल्स टू कॉन्फिगर एंड गेन एक्सेस विदाउट यूजर्स परमिशन। जैसे बोलते हैं डॉस अटैक्स, डॉस मतलब क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। और रनिंग नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल टू कंडक्ट अनऑथराइज्ड पैकेट स्निफिंग, ठीक है। जो पैकेट स्निफिंग होता है
वो जो टूल यूज करता है ना, जो नेटवर्क रनिंग को कैप्चर करता है पैकेट ट्रेसर, वो जो टूल है उसको बता रहा है, अनऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, चूज द प्रोटेक्शन मेथड यूज अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ब्लॉक सिस्टम, परमिट एक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन डीडॉस अटैक, राउंड नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स। तो ब्लॉक सिस्टम तो होगा नहीं, परमिट एक्सेस होगा नहीं, ये देखो लिखा है दो ही है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉस अटैक और रनिंग नेटवर्क मॉनिटरिंग। तो इसमें है कॉन्फ़िगरिंग डॉस अटैक और रॉन नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल, ठीक है। तो सी डी ऑप्शन होगा, ये सी डी देखो आ गया, देखो कितना आसान है, ये दो है तो सी डी ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेवन, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवन, रीड द स्टेटमेंट गिवेन बिलो एंड आंसर द टर्म ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, टी मीन्स ट्रू एफ मीन्स फॉल्स। तो साइबर स्पेस इज ए वर्चुअली सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, और सेकेंड ऑप्शन है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर द पार्ट ऑफ लॉजिकल लेयर साइबर स्पेस। तो एक साइबर स्पेस को हम